एमोजी मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज जो है हमारे पास इको आई है और ये इको में जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है क्वाइल का, कि क्वाइल को उड़ा देना, फुगा देना, ये इसका कॉमन प्रॉब्लम। जैसा आप देख सकते हो मेरे पास जो है इलेक्ट्रिशियन के पास से आया है ये गाड़ी और उन लोग ने वायरिंग चेक कर लिया है, क्वाइल भी डालकर देख चुके हैं और इनफैक्ट ECM भी दूसरा ला कर डाल चुके हैं, तो वो भी जो है उड़ा दे रहा है वो ECM को। तो देखिए इन्होंने जो है क्वाइल को चेंज किया है, ठीक है, ओरिजिनल जेन्युइन इन लोग ने क्वाइल लाया, सब क्वाइल जो जो लगा रहे हैं सब का सब जो है ये उड़ जा रहा है, सब क्वाइल जो है ये उड़ जा रहा है, ये ECM उड़ा दे रहा है ये। तो इसके अंदर जो है मैं ECM रिपेयरिंग करूंगा और ये 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, 100% इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ चुके हैं इसका, और इसकी जो है हम लोग गारंटी के साथ में जो है ये फॉल्ट को क्लियर करके देखते हैं। तो पहला जो है मैं आपको जो है फॉल्ट आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है इसके अंदर फॉल्ट है। तो मैंने जो है अभी इग्निशन ऑन किया है और देख लीजिए, जैसा कि मैंने जो है ये इग्निशन को जो है ये ऑन किया है मैंने, और मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है, आप देखिए इसके अंदर मैं रेस ले रहा हूँ, ये देखिए कैसा कहाँ पर है गाड़ी, ये कहाँ पर है गाड़ी, बहुत मिसिंग कर रही है गाड़ी। अब मैं इसका बोनेट खोल कर जो है आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से जो है ये हो रहा है। ये देखिए मैं अभी चालू कर रहा हूँ, ये देखिए देख लीजिए कैसा कर रहा है ये गाड़ी, देख लीजिए कैसा कैसा कहाँ पर है गाड़ी, ये बंद हो जा रहा है, ठीक है। फिर से मैं चालू किया, ये देखिए ये इस तरीके से जो है ये बंद पड़ जा रहा है, ये देखिए ये बंद पड़ रहा है, बंद पड़ रहा है ये। इसके अंदर यहाँ पर जो है इसके ECM का लोकेशन आता है, ये V4 का जो है ECM आता है इसके अंदर। और अब जो है हम लोग इसको जो है रिपेयर करेंगे और 100% 1 मंथ की गारंटी के साथ में हम लोग रिपेयर करके देते हैं, जो 100% सक्सेस होता है, 100% सक्सेस है रिपेयरिंग करके हम लोग देते हैं। बस इसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है कि समझ लीजिए कि ये मेरा 1 और 4, मतलब ये वाला जो क्वाइल है मेरा 1 नंबर और 4 नंबर को कंट्रोल कर रहा है और ये वाला जो है 2 नंबर 3 नंबर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये बताना होता है कि आप जो है आपका जो प्रॉब्लम है इस क्वाइल में जो है करंट नहीं आ रहा है कि इस क्वाइल में नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ देखना है। तो इस गाड़ी में जो है इस क्वाइल में जो है करंट नहीं आ रहा है, जो इलेक्ट्रिशियन जो है चेक कर चुका है पूरा, ठीक है। तो अब चलिए जैसे कि मैं इसको लेके चलता हूँ ECM को और रिपेयर करता हूँ। खोली तो निकाल लेना उसको, तो इसको जो है ये स्क्रू निकाल कर जो है लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयर करने के बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, मैंने जो है ये ECM को जो है लगा दिया है, रिपेयर हो गया ECM। अब मैं जो है गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने जो है स्टार्ट किया है, आप देखिए गाड़ी की जो ट्यूनिंग देख लीजिए, थोड़ा सा भी मिसिंग नहीं है और मैं हल्का सा भी रेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं देखिए यहाँ से जो है मैं दबा रहा हूँ, ये फटक फटक से जो है ये अप हो रहा है ये। तो इसके अंदर जो है हम लोग ने रिपेयरिंग किया है, ये डब्बा को उठाइए, तो ये डब्बा को ऊपर का निकालिए ना, हाँ भेज देते हैं, दबा कर यहाँ से इसे लॉक रहेगा, हाँ। तो ये देखिए हम लोग इस तरीके से जो है एक सर्किट बनाकर जो है रिपेयर करते हैं। अगर आपको भी रिपेयर कराना है तो मैं जो है 100% 1 मंथ की गारंटी के साथ में जो है हम लोग रिपेयरिंग करके दे देंगे और वो 100% सक्सेसफुल ही रहेगा, ठीक है, 1 मंथ की गारंटी। किसी भाई को भी चाहिए तो मुझसे रिपेयरिंग करवाना हो तो मुझसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। थैंक यू।